अभिषेक बच्चन की द बिग बुल नाम की मूवी आखिर कब रिलीज होगी? तो यार पता तो होगा या फिर नहीं पता होगा, क्योंकि देखो मैंने जो है ना मतलब मैं खाली बैठा हुआ था घर पर, तो फिर मैं सोच रहा था चलो किसी मूवी या फिर सीरीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के रखे। फिर मुझे याद आया अचानक से कि अभी तक द बिग बुल नाम की मूवी रिलीज क्यों नहीं हुई, आखिर क्या हो गया उसके साथ। तो फिर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि द बिग बुल नाम की मूवी जिसमें कि आपको देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन, वो कब रिलीज होगी और अभी तक रिलीज हुई क्यों नहीं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखो ये क्यों नहीं रिलीज हुई उसका अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ तो फिर इतना समझ लो कि ये लोग जो है ना द बिग बुल वाले वो एकदम से डर गए थे स्कैम 1992 से। हाँ मतलब एक लाइन में यही बोल सकता हूँ कि डर गए थे। अब ये लोग क्यों डर गए थे, क्योंकि देखो स्कैम 1992 और द रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, स्कैम 1992 और द बिग बुल दोनों की जो स्टोरी है ना वो बेस्ड है हर्षद मेहता के ऊपर, उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर। और क्योंकि स्कैम 1992 पहले रिलीज हो गया तो फिर उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई, मतलब कि इतना ज़्यादा हाइप हो गया उस सीरीज का कि मतलब सब लोग दबे रह गए उस सीरीज के बोझ से। तो फिर क्योंकि जो है ना स्कैम 1992 का हाइप इतना ज़्यादा हो गया था, तो फिर अगर उसी समय द बिग बुल नाम की मूवी रिलीज कर देते तो फिर क्या होता, अभिषेक बच्चन की एक्टिंग और फिर प्रतीक गांधी की एक्टिंग दोनों को कंपेयर किया जाता, क्योंकि जो है ना प्रतीक गांधी की एक्टिंग समझ रहे हो कितनी लाजवाब थी। और फिर अगर अभिषेक बच्चन की एक्टिंग अगर उतनी अच्छी नहीं होती तो फिर बहुत ताने पड़ते उस मूवी को। और सिर्फ यही एक वजह है कि वो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं कि स्कैम 1992 का हाइप कम हो जाए ताकि द बिग बुल नाम की मूवी रिलीज कर सके ये लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और फिर हमारे कुछ सूत्रों से भी ये पता चला है कि ये जो मूवी है ना आपको देखने को मिल सकती है फरवरी के एंडिंग में, यानी कि फरवरी 2021 के एंड में, या फिर आपको देखने को मिल जाएगा मार्च के महीने में। तो फिर इससे ज़्यादा और कुछ अपडेट तो मिली नहीं है। बस तो ये मूवी रिलीज होने वाली थी पहले 18 दिसंबर 2020 को, लेकिन उस समय हाइप इतनी ज़्यादा थी ना इसके 1992 की इसको रिलीज नहीं कर सके। लेकिन ये अभी तक की तो कंफर्म बात है कि ये आपको देखने को मिल जाएगी फरवरी 2021 के एंड में, या फिर आपको देखने को मिल जाएगी मार्च के महीने में 2021। तो फिर अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि ये क्यों नहीं रिलीज हुई थी और ये अब कब रिलीज हो सकती है। बस तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बगल में जो है ना घंटी का आइकन होगा, घंटी बज जानी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सिर्फ घंटी बज जानी चाहिए, यही होना चाहिए। और फिर आप फॉलोवर्स बढ़वा ले, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, मोह माया से दूर रहो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।